और बंगाल में हुए इस ट्रेन हादसे पर नजर बनाए रखने के लिए रेल मंत्रालय ने एक वॉर रूम बनाया है, जहां से मंत्री और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो राहत और बचाव के काम का जायजा लेते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं वॉर रूम की, जहां से सीधी तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर सारे अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम रेल मंत्रालय के वॉर रूम में हैं। ये वही जगह है जहां से कब कोई दुर्घटना होती है या फिर मुसाफिरों की परेशानी को दूर करने की कोशिशें की जाती है, और यहां पे तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो बैठते हैं। और इसी स्क्रीन के ज़रिए रेल मंत्री अभी जो दुर्घटना हुई है वेस्ट बंगाल में ट्रेन दुर्घटना, उसका जायज़ा ले रहे थे। अभी फ़िलहाल चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निकल गए हैं, और तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल यहाँ से कोशिश होती है कि एक ही जगह पे सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी बैठकर ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन है वहाँ पर ग्राउंड पे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सुविधा वहाँ पे और देने की ज़रूरत है। आप देखिए कि अलग अलग दिन पे अलग अलग टर्मिनल पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो हैं, और वॉर रूम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्घटना के वक्त में ही काम आता है या सक्रिय हो पाता है, कभी मुसाफिरों की परेशानियों को लेकर भी इस वॉर रूम की मदद ली जाती है जब वो शिकायत दर्ज करते हैं, और यहीं से सुनवाई भी होती है और कई सारे मामले भी सॉल्व हुए। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो आपको रेलवे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, और एक बड़ी सुविधा हो जाती है जब दुर्घटनाएँ होती हैं तो बड़ा सा जो LED स्क्रीन लगा हुआ है, इस स्क्रीन के ज़रिए जो ग्राउंड पे काम हो रहा होता है उसको देख पाते हैं। कोई कमी होती है तो उसको निर्देश यहाँ से दिया जाता है, और ये फ़िलहाल जो है जो वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा और मालगाड़ी के बीच में जो टक्कर हुई है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 रेलवे के कर्मचारी हैं, जो गुड्स ट्रेन है उसके लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की मौत हो गई है, साथ में जो गार्ड हैं कंचनजंगा के उनकी मौत हो गई है, और 5 यात्रियों की मौत हुई है, 25 के आसपास लोग घायल हैं, मुआवजे की घोषणा की गई है। शुरुआती दौर में ह्यूमन एरर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये वॉर रूम है जहाँ पे तमाम अधिकारी जो हैं दुर्घटना को लेकर चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से काम होना चाहिए या ट्रेन की बैकलॉग किस तरीके से होगी उसको दूर करने की बात, वहाँ पर रिस्टोरेशन प्रक्रिया को लेकर बात उसको दूर करने की कोशिश और कवायद जो है वहाँ पर अलग अलग विभाग के रेलवे के अधिकारियों के जरिए यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वॉर रूम से की जाती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस ट्रेन हादसे के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल में हुआ रेल हादसा दुखद है, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली है, प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं।